हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। अगर आपके दांत मिसिंग है, यानी कि दांत नहीं है, एक दांत नहीं है, किसी के दो दांत नहीं है या तीन दांत नहीं है, इससे ज़्यादा नहीं है, और उनकी जगह वो नए दांत लगवाना चाहते हैं, यानी कि किसी रीजन से उनको दांत निकलवाने पड़ गए या वहाँ से निकल गए हैं और अब आपको नकली दांत लगवाने हैं, तो कौन से नकली दांत होते हैं, कितने प्रकार के नकली दांत होते हैं और उनको लगाने में कितना खर्चा आता है, इसी से रिलेटेड मेरा आज का ये वीडियो है। तो वीडियो शुरू करने से पहले, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले ये जानते हैं कि आपके दांत नहीं है तो आप सब इंसान जो भी लोग होते हैं, उनके जब दांत निकल जाता है, मिस हो जाता है, तो वो सोचते हैं अब यहाँ पे हमें नकली दांत लगवाना है। तो नकली दांत लगवाने के बारे में जैसे सोचते हैं, तो कुछ लोग सोचते हैं कि कैसे लगाया जाता है, हमें फ़िक्स लगाना है। बहुत सारे लोग अपने अपने एडवाइस देते हैं कि यहाँ पे आप फिक्स दांत लगवाना, कुछ लोग बोलते हैं नहीं प्लेट लगवा लेना, कुछ लोग इम्प्लांट की, मतलब अलग अलग टाइप की एडवाइस मिलती है। और जिसने कभी दांत नहीं लगवाए उनके मन में हज़ारों सवाल आते हैं, तो आप लोगों के सवालों का जवाब आज का ये वीडियो है। अगर आपके दांत मिसिंग है तो जो दांतों के प्रकार होते हैं वो मतलब जो नकली दांत लगवाने होते हैं, तीन प्रकार होते हैं। पहला होता है इम्प्लांट, और दूसरा होता है रिमूवेबल पार्शियल डेंचर, और तीसरा होता है FPD यानी कि फिक्स्ड पार्शियल डेंचर। तो पहला हुआ इम्प्लांट, सेकेंड RPD रिमूवेबल पार्शियल डेंचर, और थर्ड हुआ फिक्स्ड पार्शियल डेंचर। फर्स्ट इम्प्लांट के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। वो एक इम्प्लांट में क्या होता है कि एक स्क्रू होता है जिसको हड्डी में फिट कर दिया जाता है और उसके ऊपर कैप लगा दी जाती है। इस टाइप का आप फोटो में देख सकते हो, ये इम्प्लांट होता है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ना आपके आसपास के दांतों को कुछ हमें टच करना होता है, और सीधा आपके हड्डी में एक ड्रिल किया जाता है और वहाँ पर इम्प्लांट फिक्स कर दिया जाता है जो टाइटेनियम का बना होता है, और उसके ऊपर फिर हम लोग एक कैप लगा देते हैं, इम्प्लांट की जो कैप आती है। उसके बाद वो नेचुरल जो आपका टूथ होता है उसकी तरह रिएक्ट करता है। मान लो आपके एक दांत नहीं है तो आप वहां पे इम्प्लांट लगवा सकते हो। अगर आपके दो दांत नहीं है तो अभी आप दो इम्प्लांट लगवा सकते हो, या एक इम्प्लांट लगा के उस पर ब्रिज लगवा सकते हो। तो इस टाइप का पहला जो प्रकार है वो है इम्प्लांट। अब सवाल ये है कि इम्प्लांट लगवाना चाहते हैं तो इम्प्लांट के क्या बेनिफिट्स होते हैं और इसमें लगाने में कितना खर्च आता है। तो सबसे पहले तो इसका जो बेनिफिट है वो यही है कि ये नॉर्मल जो आपका टूथ होता है उसकी तरह बिहेव करता है। आपको आपकी जो पास वाले दांत होते हैं उनको भी हमें बिल्कुल भी टच नहीं करना पड़ता। जैसे कि अगर हम फिक्स पार्शियल डेंचर यानी FPD लगाते हैं तो उसमें हमें पास वाले दांतों का सपोर्ट लेना पड़ता है, लेकिन इम्प्लांट में हमें किसी का सपोर्ट लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमारी जो हड्डी होती है उसी का सपोर्ट लेके वहाँ पर हमारा दांत लग जाता है। तो ये है इम्प्लांट का बेनिफिट। अब जानते हैं कि इम्प्लांट लगाने में कॉस्टिंग कितनी आती है, कितना खर्चा आता है। तो अगर एक इम्प्लांट लगाना है तो उसका जो खर्च है वो 20,000 से शुरू होता है। फिर डिपेंड करता है कि आप कौन से जगह से बिलोंग करते हो, कहाँ से आप इम्प्लांट लगवा रही हो, कौन सा सर्जन आपका मतलब ट्रीटमेंट कर रहा है, कौन सा इम्प्लांटोलॉजिस्ट आपके इम्प्लांट लगा रहे हैं, किस टाइप का इम्प्लांट, मतलब इम्प्लांट में भी थोड़ा सा अलग अलग आता है। लेकिन स्टार्टिंग जो रेट होती है वो 20,000 होते हैं, 20 to 30,000 के अंदर अंदर आपका एक दांत लग जाएगा, कोई बड़ी मेजर नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमें और कॉस्ट पड़ा है, हम किसी डेंटिस्ट के पास गए तो हमारे 40,000 का लगा है, तो वो अलग क्वालिटी डिपेंड कर है। लेकिन जनरल जो इम्प्लांट रेगुलर हम लोग यूज़ करते हैं वो 20,000 से 30,000 के अंडर आपके लग जाएगा, आप चाहे किसी भी जगह से बिलोंग करो इंडिया में। तो ये है इम्प्लांट और उसका खर्च। अब जानते हैं कि एक चीज़ और बता देती हूँ, मैंने इम्प्लांट में सिर्फ एक इम्प्लांट का खर्च बताया है। ऐसा नहीं है कि हम इम्प्लांट के और मतलब दो इम्प्लांट लगा रहे, बहुत सारे डेंचर लगवाना चाहते हैं तो दो इम्प्लांट लगाते हैं, चार इम्प्लांट लगवाते हैं, तो उनका अलग अलग कॉस्टिंग पड़ती है। लेकिन सिर्फ आपको एक इम्प्लांट लगाना है, एक दांत लगाना है, तो उसका खर्च 20,000 to 30,000 के बीच में हो जाता है। अब जानते हैं सेकेंड टाइप होता है रिमूवेबल पार्शियल डेंचर,
जिसको हम आरपीडी भी कहते हैं, आप इस टाइप के फोटो में देख सकते हो। ये होता है नकली दांत का एक ऐसा प्रकार होता है जो बहुत बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता है, लेकिन ये डेंचर की तरह होता है। जैसे बत्तीसी, बहुत सारे लोग बत्तीसी बोलते हैं, इसको हम बाहर निकाल सकते हैं और इसको वापस हम दांत मुँह में फिट कर सकते हैं। तो ये निकाले उतारने की एक टाइप की प्लेट होती है। ये जानते हैं कि जो रिमूवेबल पार्शियल डेंचर होता है उसके कुछ बेनिफिट्स होते हैं और कुछ इसके नुकसान होते हैं। इसके फ़ायदे ये होते हैं कि एक तो इसकी जो कॉस्टिंग है वो कम आती है, दूसरे अगर आपके पास वाले दांतों में कोई प्रॉब्लम है तो ये इजीली लग जाती है। अगर हम एफपीडी की बात करें तो हमें पास वाले टूथ है वो मजबूत चाहिए, लेकिन हम अगर आरपीडी आपको लगवाने हैं तो आपको पास वाले दांतों को टच करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट एक दांत लग जाता है वहाँ पे। लेकिन इसमें हमें सपोर्ट किसका देना होता है, आपके आसपास का जो दांतों के पास जो गम एरिया होता है या ऊपर वाले दांत लगाते तो जो पैलेट एरिया होता है उनका सपोर्ट देना होता है, इसलिए इसको एक प्लेट के रूप में बनाया जाता है। अब इसका एक बेनिफिट ये भी होता है कि इसको आप इजीली निकाल के उसको क्लीन कर सकते हो, यानी कि उसमें कोई भी कैलकुलस वगैरह अगर फंस जाता है तो उसको आप बाहर निकाल के उसको साफ़ कर सकते हो। और अगर आपका एक दांत मिसिंग है और आपने सिर्फ एक दांत की आरपीडी लगाई है और पास वाला दांत हिल रहा है, तो एक तो आपके पास वाले दांत को सपोर्ट मिल जाएगा प्लेट का, और बाई चांस अगर आपका कुछ दिन हो गए और पास वाला दांत है वो निकल गया है तो उसी आरपीडी में उसी प्लेट में वापस दूसरा दांत है वो ऐड हो जाता है। तो ये इसके बेनिफिट है। इसके अलावा इसका एक बेनिफिट ये भी है कि एक तो मैंने आपको बताया कि इसकी कॉस्टिंग है वो कम आती है, और दांत जो फिक्स पार्शियल होता है उससे और इम्प्लांट दोनों से इसकी कॉस्टिंग है वो कम आती है। दूसरा, इसको ईजिली हम क्लीन कर सकते हैं। और तीसरा ये होता है कि इसकी वजह से पास के जो दांत होते हैं वो भी उनको भी सपोर्ट मिल जाता है। अब इसका अब ये जानते हैं कि इसका नुकसान क्या है ना, अगर ये लगाते हैं तो क्यों हम लोग कुछ लोग अवॉइड करते हैं कि हमें आरपीडी नहीं लगानी। इसके नुकसान है ये है कि स्टार्टिंग में क्या होता है कि प्लेट होती है, यानी सिर्फ दांत पे नहीं लगती, ये हमारे आसपास के जो म्यूकोजल एरिया होता है जैसे जिनजाइवा हो गया वहाँ पे नीचे वाला दांत, ऊपर वाले में तो जो हमारी प्लेट होता है पैलेट होता है उसका सपोर्ट लेना पड़ता है। तो जब शुरू में इसको लगाया जाता है तो थोड़ा सा थोड़े दिनों के लिए एडजस्ट करने में टाइम लगता है, क्योंकि हमारी टंग बार बार जाती है कि हमारे मुंह में ये क्या चीज़ आ गई है, तो उसको बाहर निकालने की कोशिश की जाती है, टंग धक्का देती है बार बार उसके ऊपर आती है टंग और बोलती है कि इसको बाहर निकाल। तो ये जो चीज़ होती है उसकी वजह से पेशेंट थोड़ा सा इरीटेट हो जाता है, उनको लगता है कि मुँह में क्या आ गया। लेकिन अगर आपने ये 1 वीक लगा के रख ली तो आपके मुँह को इसकी हैबिट हो जाएगी, तो उसके बाद इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। इसकी मेन प्रॉब्लम यही है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे लोग होते हैं उनको बार बार निकालना अच्छा नहीं लगता, कि हमें नहीं अच्छा लगता कि हम बार बार इसको निकालें उसको क्लीन करें। तो ये इसकी सेकंड है ये नुकसान होता है। अब जानते हैं कि इसको लगाने में कितना खर्च आता है। खर्च जो होता है वो मैंने पहले भी बताया है कि वो अलग अलग जगह पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी जगह रह रहे हो, लेकिन फिर भी एक आइडिया के अकॉर्डिंग आपका जो एक दांत आरपीडी लगाने का जो खर्च है वो 500 रुपये से शुरू हो जाता है। कुछ क्लिनिक में 500 रुपये में भी आरपीडी, एक दांत की आरपीडी लगा दी जाती है, लेकिन नॉर्मली ये 500 से लेके 1500 रुपये के बीच में इसका खर्च आता है। वो डिपेंड करता है क्लिनिक, जगह और क्वालिटी, कि कौन से क्वालिटी के आप आरपीडी लगा रहे हो, फ्लेक्सिबल लगा रहे हो, उसका जो टूथ हम ऐड करते हैं वो कौन से क्वालिटी का है। लेकिन जो स्टार्टिंग रेट होते हैं वो 500 होते एक दांत की। अगर आप दो दांत लगवा रहे हो, तीन दांत लगवा रहे हो, तो उसके अलग अलग कॉस्टिंग है। लेकिन अब आप ये सोच रहे हो कि एक दांत की 500 मतलब दो दांत के 1000 रुपये है, तो ऐसा नहीं होता है। एक दांत के अगर मान लो एक दांत के आपके किसी डेंटिस्ट के पास गए और आपके दो दांत आपको लगवाने या तीन दांत लगवाने हैं, तो जो एक दांत की कॉस्टिंग आती है वो तो 500 आती है, क्योंकि उसमें प्लेट होती है। लेकिन जो एक्स्ट्रा टीथ लगाने हैं, जैसे कि दो लगाने हैं, तीन लगाने हैं, उसी वो उसी प्लेट में ऐड होती है, तो उसकी जो कॉस्टिंग है वो 300 पर टूथ टू 500 पर टूथ। अगर आप महंगे वाले आरपीडी लगवा रहे हो तो उसमें पर टूथ का 500 लग सकता है, लेकिन नॉर्मली 300 पर टूथ के लगते हैं एड एक दांत लगाने के बाद। जो दूसरा दांत अगर अपने ऐड करना है तो उसके 300 पर टूथ लग गए, तो मतलब एक दांत तो 500 रुपये में लग गया और उसी में हमें एक और दांत लगाना है तो उसके 300 रुपये एक्स्ट्रा लग गए। तो ये 700 to 800 रुपीज़ में आपके दो दांत लग गए इस तरीके से। और अगर आपको तीन लगाना है तो फिर 300 ऐड कर लो, चार लगाना है तो फिर 400 ऐड कर लो, इस टाइप से आरपीडी लगती है।
तो ये है आरपीडी का खर्च। नॉर्मल एक दांत के लिए आरपीडी का जो खर्च आता है वो 500 से 1500 के बीच में आता है, और टूथ का एक्स्ट्रा जो टीथ ऐड करना है उसका खर्च तो 300 टू 500 पर टूथ के अकॉर्डिंग खर्च आता है। तो ये है आरपीडी लगाने का खर्च। अब जानते हैं तीसरा प्रकार। तीसरा प्रकार होता है एफपीडी, यानी कि फिक्स्ड पार्शियल डेंचर। आपने बहुत सारे लोगों से सुना होगा कि हमने फिक्स दांत लगवाए हैं या ब्रिज लगवाया है, वही फिक्स पार्शियल डेंचर होता है, जैसे कि आप फोटो में देख सकते हो इस टाइप का ब्रिज होता है। अब मान लो आपके एक दांत मिसिंग है, तो एक दांत मिसिंग की जगह हम लोग केप लगा दांत लगा देते हैं, और जो हमारे पास वाले दो दांत हैं उनके सपोर्ट से एक ब्रिज बना दिया जाता है। उन दोनों दांतों पे केप लगा दी जाती है और जहाँ पे मिसिंग है वहाँ पे टूथ लगा दिया जाता है। इस टाइप का ब्रिज लगा दिया जाता है, और इन पास वालों के सपोर्ट से एक जो सीमेंट आती है ल्यूटिंग सीमेंट आती है उसकी मदद से इसको यहाँ पे फिक्स कर दिया जाता है। तो इसको हम फिक्स पार्शियल डेंचर कहते हैं। जानते हैं कि जो एफपीडी होती है उसका बेनिफिट क्या होता है, क्या फ़ायदे होते हैं। एक तो इसके फ़ायदा ये है कि इसको निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, एक बार ये फिक्स हो गए तो हो गए। आप इससे नॉर्मल दांतों की तरह खाना खा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इनको क्लीन बाहर निकाल के क्लीन करने की ज़रूरत नहीं होती। और दूसरा ये है कि इसको एडजस्ट करने में समय नहीं लगता, जैसे आरपीडी में कुछ टाइम लगता है हमारे मुँह को सेट होने में, लेकिन इसमें कोई भी टाइम नहीं लगता। दूसरे दिन से आप नॉर्मल रूटीन जो आप खाना खाते हो वैसे नॉर्मली खाना खा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और एक इसका बेनिफिट ये भी है कि इसमें जो पास वाले टीथ है वो भी सेफ हो जाते हैं, अगर उनमें कोई कैविटी है तो उनमें रूट कैनाल करके उन पर भी कैप लगा दी जाती है, जिससे वो भी सेफ हो जाते हैं। साथ ही फिक्स बीच का जो दांत होते हैं उसकी जो स्ट्रेंथ है वो भी बढ़ जाती है, तो इसकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है, ये इसका एक बहुत अच्छा बेनिफिट होता है। अब ये जानते हैं कि इसका नुकसान क्या है। नुकसान ये है कि बहुत सारे लोग होते हैं वो नहीं चाहते कि हमारे पास वाले टीथ है उनको हम घिसे, क्योंकि क्या होता है कि जब भी हम केप लगाते हैं, आपने सुना होगा क्राउन कैसे लगाते हैं, केप लगाते हैं तो हमें थोड़ा पास वाले दांतों को साइडों से ट्रिम करना पड़ता है, और ट्रिम करने के बाद ही उस पर केप फिट होती है। तो इसके लिए हमें एक दांत लगाना है तो हमें तीन दांत लगाने पड़ते हैं, यानी दो केप लगानी पड़ती है, एक दांत लगाना पड़ते हैं, जिससे पास वाले दांत हैं उनको भी हमें थोड़ा ट्रिम करना पड़ता है। तो इसका सिर्फ यही नुकसान है कि हमें पास वाले दांत तो जो नेचुरल टीथ है उनमें अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो उनको हमें बिना मतलब ही ट्रिम करना पड़ेगा, और उसके बाद उस पर केप लगानी पड़ती है, यही इसका एक नुकसान है, बाकी इसके बेनिफिट ही हैं। तो ये है एफपीडी। अब जानते हैं कि इसको लगाने की कॉस्टिंग कितनी आती है। ये इम्प्लांट की तरह बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होता, लेकिन आरपीडी की तरह सस्ता भी नहीं होता। मैं आपको थोड़ी सिंपल तरीके से इसके कॉस्टिंग बता देती हूँ। जैसे मान लो आपको एक दांत लगवाना है, लेकिन आपको एक दांत लगवाने के लिए ब्रिज पूरा बनाना पड़ेगा, यानी तीन दांतों का सेट बनाना पड़ेगा, उसके पूरी जो कॉस्टिंग आती है वो अगर आपको दांत का कलर की बनानी है तो स्टार्टिंग जो रेट है वो होती है टोटल कॉस्टिंग 6000 से शुरू होएगी। मतलब एक दांत लगाना है लेकिन 3 यूनिट बनेगी तो उसकी कॉस्टिंग पूरे ब्रिज की क्या होगी, 6000 स्टार्टिंग है वो। और अगर आपको दांत का कलर नहीं चाहिए, आप मेटल का बनाना चाहते हो, तो मेटल की जो पूरी कॉस्टिंग आती है वो पर टूथ 1500 होती है, तो मान लो 4500 आपके 3 यूनिट के लगेंगे। तो ये तो है मेटल, और ओनली जो मैं नॉर्मली जो क्लिनिक्स में चलते हैं जैसे हम PFM बोलते हैं उसकी कॉस्टिंग बता रही हूँ। लेकिन अगर आपको और क्वालिटी में जाना है, जैसे जिरकोनिया लगाना है, आइवोक्लेयर लगाना है, तो उसकी जो कॉस्टिंग आती है वो थोड़ी अलग होती है, वो डिपेंड करता है आपको कौन सी केप लगानी है। लेकिन मैं आपको सिर्फ आपको एक रफली आइडिया दिया है कि आप अगर माइंड में सोच रहे हो तो आपको इस रेट तक आपके ब्रिज है वो लग जाएगा। तो ये है दांत लगाने के तीन प्रकार और उनके खर्च। पहला था इम्प्लांट और उसका खर्च आता है 20000 से स्टार्ट है, 20000 से 30000 के बीच में। सेकंड है आरपीडी, उसमें एक दांत का खर्च आ जाता है 500 टू 1500 के बीच में। और नेक्स्ट आता है एफपीडी यानी कि फिक्स पार्शियल डेंचर, उसका जो खर्च आता है वो आता है पर टूथ का, क्योंकि 3 यूनिट बनेगी तो 4500 से लेके 6000 तक के बीच में स्टार्टिंग इसका जो खर्च है वो आता है। तो ये है आज का वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।